बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की वो इस चैनल पर मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में ताकि आप शॉर्ट टाइम पर बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको नाव लेट स्टार्ट क्योंकि आजकल है ना सबको सबको क्विक चाहिए चीज़ें सबको जल्दी कोच बनना है जल्दी करोड़ों रुपये कमाने हैं खैर उसके बारे में हम बात करेंगे आपने भी काफ़ी सारी इनकम कमाई है काफी सारी चीज़ें की जो लोगों को पता भी नहीं है उसके बारे में बातें करेंगे बट उससे पहले मैं ये चाहना चाहता हूँ कि यार मेहनत कितनी लगती है कितना एक्सपीरियंस देना पड़ता है तब जाके ऐसी बातें ऑटोमेटिकली निकलने लग जाती है जिशान भाई इसमें ना बहुत अलग सब्जेक्टिव हो जाता है ये अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखता हूँ तो मैं मेरे एक मैंटोर कहा करते थे जो बहुत मुझे अच्छी बात लगती थी कि गाँव का पहलवान हाँ। मैं गाँव का रहने वाला हूँ हाँ हाँ। तो जब हम गाँव में भी कबड्डी खेला करते थे तो हमें उतनी चोट लगती थी ठीक है ना हमारे ऊपर लोग गिरते थे वो दस बारह प्लेयर गिर जाते थे या पकड़ के हमें भी डाल लेते थे ठीक है ना हमें भी कबड्डी खेलने आता था तो छाती पर लात मार के जाता था तो वहाँ पर मुझे एक मैंटोर मिले लाइफ में और उन्होंने कहा कि जीवन में याद रखिए गाँव में पहलवान बने या फिर आप ओलंपिक के पहलवान बने पिटाई दोनों में बराबर होनी है सवाल यह है कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू आपकी अप्रोच क्या है लाइफ में याद रखिएगा जब मैंने अनुभव की बात करी तो अनुभव तो सबसे ज्यादा अप एंड लोग कहते हैं कि अप एंड डाउन से बहुत अनुभव मिलता है तो इसका मतलब लिफ्ट मैन सबसे ज्यादा अनुभवी होना चाहिए <laughs> <रही>। <laughs> क्योंकि वो जीवन में दिन में कम से कम 500-700 बार जीवन में उतार चढ़ाव को जी रहा है एग्जैक्ट ठीक है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इवेंट से आप सीखेंगे सवाल यह है कि इवेंट आपको नहीं सिखाते आप इवेंट से सीखते हैं राइट इसमें समझने की कोशिश करिएगा इवेंट को आपने कैसे लिया उसे आपने कितने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था अगर आप मुझे सामने से देख रहे हैं तो आपको मेरे चेहरे पर दो कान दिखाई देंगे लेकिन अगर हमारे कैमरेमैन देखें मुझे इस समय और आपको भी देखें तो उन्हें कितने कान दिखाई देंगे हमारे चेहरे पर एक ही ठीक है ना जो सामने वाला कहेगा कि नहीं दो हैं वो कहेगा एक है सामने वाला कहेगा मैं बीस लोगों से पूछवा दूंगा दो कान है वो कहेगा मैं पचास को ले आता हूँ क्योंकि उस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर वही नॉलेज है जब भी आप अनुभव का आनंद लेना चाहें तो उस अनुभव में मैंने जो चीज़ सीखी है तीस सालों में वो मैं सबको बताना चाहूँगा तीस चालीस साल तीस पैंतीस साल पहले मुझे बहुत सारा आई मीन डिप्रेशन एंग्जाइटी बाल गिरना ये बीमारियाँ थी मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया आपको और तब मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये होता है कि भाई डॉक्टर जो ठीक करेंगे बस वही होगा तो मैं आज स्टोराइड खा खा के मोटा हो जाता है या मैं बीमार रहता है या अब तक आई I मीन mean, बहुत नुकसान हो चुका होता लेकिन उस समय मैंने एक चीज़ को देखा था जो शायद मुझे आ, कहीं बचपन में मिली थी क्योंकि आ, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हमेशा एक ही चीज़ को कई एंगल से देखा करो उससे आपके पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ेंगे इस एंगल से देखो फिर इस एंगल से देखो इस एंगल से देखो तो किसी आदमी ने कहा कि यार ये बीमारी नहीं है तुम्हारे माइंड में कुछ गड़बड़ है तुम्हारे माइंड में स्ट्रेस है मैंने कहा हाँ ये तो है तो मुझे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया कि नहीं ये बीमारियाँ सिर्फ हमारे शरीर की नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू की भी हैं यानी कि मेरी मेमोरीज़ की भी हैं तुम जैसे ही मैंने पॉइंट ऑफ व्यू को खोला तो मुझे एनएलपी मिल गई एन को खोला तो इमीडिएटली मुझे आउटकम को पूरा कैसे करना है लोगों से कैसे बात करनी है वो टेक्निक मिलनी शुरू हो गई नहीं नहीं लोग मिलने शुरू हो गए तो याद याद रखिएगा अनुभव का मतलब ये होता है कि जो आप किसी भी सिचुएशन में आकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नए तरीके से देखते हैं एक आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये भी हो सकता है कि वो इस समय एक ऐसी स्टेट से गुजर रहा हो कि उसके पास उसका दम घुट रहा हो और उसकी जुबान ना खुल रही हो और वो मुझे अपनी अटेंशन में लेना चाहता हो तो उसने मुझे हिट किया है नहीं कि थप्पड़ मारा है ये भी तो हो सकता है कि वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है वेयर ही हैज द कम्प्लीट आई मीन सेंस और उसका हाथ घूम गया है और है। इस तरह से आप एक इवेंट को दस तरीके से ले सकते हैं एग्जैक्टली exactly. और हर इवेंट जैसे ही आप लेते हैं इसी का नाम अनुभव है घटना में अनुभव नहीं है आप उसे कितने पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं ये अनुभव है ये, ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है राइट ये अपने बहुत पावरफुल चीज़ कही है मेरे हिसाब से यही चीज़ है ना मीडियोकर लोगों को मुझे लगता है ना मतलब स्मार्ट लोगों को मीडियाकर से अलग कर देता है टॉप वन पर्सन को नाइन्टी नाइन से अलग कर देता है क्योंकि नाइन्टी नाइन परसेंट वो एक ही साइकिल में एक ही तरीके से सोचता रहता है हर चीज़ को आपने ये चीज़ बड़ी आ, अच्छी कही कि एक्सपीरियंस इतना बेटर नहीं लिफ्ट वाला भी ऊपर नीचे हमेशा करता रहता है इसका एक और एग्जाम्पल मैंने सुना था कि बातें बातें हम बचपन से करना सीख जाते हैं लेकिन फिर भी जो गुड स्पीकर होता है बड़ा स्पीकर होता है आ, या फिर आप बड़े स्पीकर क्यों नहीं बने अभी तक क्योंकि बचपन से तो आप भी बातें कर रहे हो वाई यू आर नॉट अ वेरी गुड स्पीकर बिकॉज एक्सपीरियंस अगर सिर्फ देखा जाए तो तो आपके पास भी है बट वो क्यों नहीं है क्योंकि हम लोग वही अलग अलग परस्पेक्टिव से नहीं देख रहे मे बी हम मैंटर से सीख रहे नहीं है हम लोगों से नहीं सीख रहे जो अच्छे स्पीकर है जो बता रहे कि एक्जैक्टली बोलना क्या चाहिए कब क्या बोलना चाहिए कितने दिल से बात करनी चाहिए ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है बेसिकली फीडबैक लेना जिससे फीडबैक लेते हैं तो हम मुझे लगता है अपना पर्सपेक्टिव खिलता है अगर एक ही इंसिडेंट मेरे साथ कुछ हुआ है और वो मेरे माँ बाप से मुझे बता रहे हो मैं वही चीज़ को मैंने मान लिया यही सच है यही तुरुत है तो मेरा एक ही तरीके की थिंकिंग रही मैं लिमिटेड सोच का बन गया लेकिन मैंने माँ बाप से हट के अगर मेंटर्स की बातें सुनना चालू किया मैंने तीन चार बुक पढ़ लिया मैंने सेमिनार्स अटेंड किए एक ही चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट किया तो मेरा दिमाग खुलने लगता है हमें दस ऑप्शन मिलने लगते हैं राइट आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया एक्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूँ सब लोगों को कि आपने वही अल्फाबेट सीखने इंग्लिश के छब्बीस हाँ कोई चालीस बयालीस हिंदी के सीखने हैं ठीक है ना और उन्हीं से वही वर्ड्स बनने हैं मैं आज भी अपनी वर्कशॉप देता हूँ जहाँ ढाई सौ लोग नए बैठे होते हैं हर महीने ठीक है ना पे करके तो मेरे तो वही गांव की लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ अपने वेस्टर्न यूपी की लैंग्वेज में और मेरे तो प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत आई मीन मेच्योरिटी अभी भी नहीं आई मैं जानता हूँ और मैं अपनी ओथेंटिसिटी को जीता हूँ लेकिन याद रखिएगा उस उन शब्दों को अब आप किस माला में पिरो हो रहे हो किस तरह के कॉन्टेक्स्ट को कंटेंट को तैयार कर रहे हो जो लोगों की लाइफ में एक हीलिंग क्रिएट करे हैं वही शब्द वही ऐसे ट्वेंटी सिक्स आई मीन लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एग्जैक्ट exactly. वही तो बोलेंगे आप लेकिन सवाल ये है कि आप वही वाली बात है कि आपने पिटाई तो लेनी है पिटने तो आप हैं पहलवानी करते हुए आप गांव के हैं या आप आई I मीन mean, एक ओलंपिक के हैं जीवन में याद रखिएगा जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं एक बात बताता हूँ अभी सभी दर्शकों को मेरी जब 20 साल की 21 साल की उम्र थी तो और मेरी पढ़ाई वढ़ाई छूट गई थी तो अब सरवाइव करने के लिए नौकरियाँ थी नहीं उस समय में तो मैं एक छोटा सी कंपनी में एक सेल्समैन बना और मैं एक डॉक्टर के बाहर बैठा हुआ उसकी दवाई सप्लाई करनी थी जो मेरे स्टोकिस्ट ने मुझे दी थी और मैं वहाँ बैठ चंपक पढ़ रहा था अच्छा चंपक इंग्लिश की कि भाई किसी तरह से इंग्लिश आ जाए उसमें गोलू आती रामू बंदर इस तरह से हुआ करते थे तो डायलॉग उनसे मुझे टीचर ने कहा था कि इनके डायलॉग से आप इंग्लिश सीख सकते हैं तो मैं पढ़ रहा था तो डॉक्टर जैसे ही बाहर निकला उसने कहा कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो ये तुम्हारी उम्र है पढ़ने की मैंने कहा सर नहीं सर मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ मैं इंग्लिश के लिए कर रहा हूँ तो उसने कहा अच्छा अंदर आओ एंड आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दै डॉक्टर एंड हीज़ ही हैज़ बीन ए वंडरफुल मैंटोर ऑफ माइंड एट टाइम इन मुजफ्फरनगर इज ए सर्जन डॉक्टर दिनेश दत्त हनुमान चौक पर उनकी क्लिनिक हुआ करता था आई स्टिल रेस्पेक्ट एंड से सेल्यूट टू दैट डॉक्टर दिनेश दत्त जी अगर वो अभी सुन रहे हो तो तो उन्होंने वो मुझे अपने केबिन में लेके गए उन्होंने कहा कि इस उम्र में तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई फायर है मैं तुम्हें एक नोवेल दिया करूँगा और उस नोवेल को तुम पढ़ा करोगे और आकर मुझे उसकी थीम बताया करोगे तो मैंने सोचा स्टोरी को थीम कहते हैं उन्होंने कहा थीम का मतलब होता है कि सिर्फ मुझे आप आठ या दस लाइन में बताओगे और मेरे नोवेल को आप पूरी तरह से नहीं खोलोगे ऐसे पढ़ोगे वी में वी शेप में लाकर और फिर मैं आपको नया नॉवल दूंगा और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू होगी तो उन्होंने मुझे पहला नोवेल दिया द अदर साइड ऑफ मिड नाइट अच्छा शिडनी शेल्डन का नोवेल था ओके जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने कहा यार मैं गांव का रहने वाला हूं जहां पर एक छोटी सी सोच है लोगों की और यहां पर तो बिल्कुल डिफरेंट है करेक्टर्स वहाँ पर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान रहे हैं यूरोप में कैसे रहते हैं अमेरिका में कैसे रहते हैं उनकी बातें कैसी होती हैं एंड आई एन्जॉयड यद्यपि इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी ट्वेंटी परसेंट मुझे सिर्फ समझ में आया लोग इतने में कहते जी मुझे अंग्रेजी के नॉवल समझ में नहीं आते अरे नहीं आने दो पढ़ लो तो पहले हा, हा। लोग ये कहते हैं नहीं ये है, पहले मैं परफेक्ट हो जाऊँ तब मैं पढ़ूंगा भैया उतना ही पढ़ा मैंने उससे कहा कि सर ये थीम आई है इसमें बेसिकली जो हीरोइन है वो जिस आदमी से प्यार करती है उसको वो निशाद मिलता नहीं है और उसने कहा इंग्लिश में बताओ तो मैंने बोलना शुरू किया धीरे धीरे के सर एंड देन एंड आई मीन शी हर्ट्स हर सेल्फ वो अपनी यूट्रस में ही चाकू मारती है बिकॉज उस आदमी का बच्चा वहाँ पर पल रहा होता लाइक like दिस उसने कहा कि यू हैव गोट इट आई गिव यू द अनदर देन ही स्टार्टेड आई मीन गिविंग मी नॉवल्स और मैंने पता है क्या वहाँ क्या क्या आई बिकेम अ वेरी गुड रीडर आई बिकेम अ वेरी गुड रीडर उन्होंने मुझे शेल्डनी शैल्डन पढ़ा दिया जैफरी आर्कर पढ़ा दिया केन एंड एबल्स की किताबें पढ़ा दी आसामी हाजिर पढ़ा दी हिंदी की ठीक है ना उन्होंने प्रेमचंद के नॉवल्स को दोबारा पढ़ने के लिए कहा हिंदी के भी एंड आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन एंड टुडे आज मैं सात सौ आठ सौ किताबें पढ़कर उन्हें तीन तीन चार चार बार पढ़ के लोगों को बता देता हूँ राइट माई सेंग टू यूज वेरी सिंपल जस्ट सी द थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट मैंटोर्स पॉइंट ऑफ व्यू राइट एंड यू विल गेट इट हम गड़बड़ क्या करते हैं हम गड़बड़ क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ एक रिलेटिव होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू हम ले लेते हैं और जीवन में मैंने एक ही चीज जीशान साहब हाँ। आपके दर्शकों को बताता हूँ कि आपकी लाइफ में दो ही लोग हैं हाँ। एक रिलेटिव है और एक पॉजिटिव है ये आप देख लो कि किसकी बात सुनोगे तो जरूरी नहीं कि रिलेटिव पॉजिटिव बात करें लेकिन पॉजिटिव लोग पॉजिटिव जरूर बात करेंगे जरूरी नहीं है कि वो आपके रिलेटिव बने दिल पर कह के चले जाएंगे कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो और निंदक नियर राखी आंगन कुटी सजाए ये ये वाली चीज़ सर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आप में नोटिस किया चीज़ आपके अंदर सीखने की जो भूख है वो बहुत ज़्यादा है और आई थिंक वो भूख होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज तभी तो आपका माइंड एक्सपांड होगा जैसे ने आपकी जो रीडिंग की हैबिट है हमेशा सीखते रहना इसीलिए आप नई नई बातें भी लेके आ पाते हो हमेशा लोगों को नई चीज़ें सिखा पाते हो जहाँ पर लोग कई बार एक ही बुक में सीमित हो जाते हैं एक ही चीज़ पढ़ के बस खत्म कर देते कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई ये भी एक डिफ्रेंस मैंने सुना हूँ कई बार मेंटर्स से कि जहाँ पे नॉर्मल लोगों की पढ़ाई खत्म हो जाती है जो ग्रेट लोग होते हैं वहीं उन की पढ़ाई शुरुआत होती है यूजली exactly. मैक्सिमम लोग सिर्फ स्कूल कॉलेज कर ले डिग्री मिल के भाई ख़त्म पढ़ाई ख़त्म आपको कोई एक जॉब में लग जाओ जिंदगी भर वही करते रहो बट जो ग्रेट लोग होते हैं जैसे इलॉन मस्बी है या कई सारा आप, आपने देखा होगा वो लोग पढ़ते रहते हैं किताबें पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं जिसके वजह से उनके दिमाग हमेशा ग्रो करता रहता है जो उनको एट द एंड रिजल्ट्स क्रिएट करने में भी, भी काफी ज्यादा हेल्प करता है और ये चीज़ मैं आपके अंदर भी देख रहा हूँ सर आप भी हमेशा मैं देखता तो हूँ बुक पढ़ते रहते हैं आपके बुक बैग में भी हमेशा बुक्स रहती है अभी भी पढ़ी हुई है नोट वन थ्री कौन सी बुक्स है वो वन इज बेस्ड ऑन नर्व एक्टिवेशन हाँ एंड टू आर ऑन गट माइक्रोबियोम राइट बेसिकली हमारा ब्रेन जो गट के अंदर है नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट अच्छा और मैं उसके बारे में आई एम गोइंग टू गिव न्यू थिंग्स टू दिस कंट्री वो जरूरी है हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक तो दूसरों को कैसे सिखा पाएंगे और यूजुअली कई बार यहीं पे गलती हो जाती है लोग लिमिटेड नॉलेज लेके लिमिटेड चीज़ें ही बार बार बताते रहते हैं अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीज़ों को समझो तब तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल